परिचय दीजिए अपना जी। हाँ जी, मेरा नाम एसके यादव है, मैं यहाँ का संयोजक हूँ, आयोजक, और हमारी कार्यकारिणी टीम है 15-20 लोगों की, और सब रात दिन से लगे, हालात देखे तो हम लोग एक हफ्ता से सोए नहीं, रात दिन लगे हुए हैं। आज भी 2 बजे रात को सोए और फिर 6-5 बजे आके हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, और देखिए एक एक काम करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं सबको, और सबकी जगह यहाँ पे काफी भीड़ भाड़। यादव जी, कितने लोग पहुँचने की संभावना है, और पार्किंग व्यवस्था को लेकर क्या आपने रखा? पार्किंग व्यवस्था देखिए, हमारा बाहर है और यहाँ पे कम से कम 5,000 लोगों के पहुँचने की व्यवस्था है, और सब लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें, और हम लोग दी दान तोड़ के पिछले 1 महीने से ये समझो कि हम लगे पड़े हैं, और एक एक चीज हम खुद देखिए, रात को 2 बजे सोते हैं, 5 दिन से हम सोए नहीं, और जितना व्यवस्था है, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी क्या था कि कुछ लोग वापस जा रहे थे, इस बार हमने टोकन सिस्टम कर दिया ताकि लोगों कोई वापस नहीं जाए और कोई ज़्यादा जगह न घेरे, सबको जगह दे, और यहाँ पे सब खुशी खुशी मनाएं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये लगता है कि हमारा परिवार है और ये खुश होकर मनाते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है, कहते जी हमने, मेरा काम सफल हो गया, और भगवान की कृपा है, बाकी पूरी कॉलोनी की सहयोग, हमारे कार्यकर्मी एक बड़ा कार्यकर्मी है, सब हम रात दिन लगे रहते हैं, और जितने भी हैं देखिए सब हम अभी भी लोगों को जगह दे रहे हैं, टोकन सिस्टम इस बार कर दिए, क्योंकि पिछली बार क्या होता था ना, एक बंदा आए काफ़ी जगह घेर लिए, कहते जी हमारे, मैं भैया इस बार सबको जगह दो, कोई वापस नहीं जाना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर दीपक सिंह। दीपक जी, छठ पूजा का आयोजन रखा है सूरत में, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा, छठ पूजा का आयोजन तो पूरे गुरुग्राम में, हर कॉलोनी में और हर सोसाइटी में, हर सेक्टर में, हर जगह पे किया जा रहा है, और सूरत नगर ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोगों की आबादी है। सूरत नगर फेज टू की बात करूँ तो मेरे ख्याल करीब करीब 75-80% लोग हैं वो पूरा हमारे पूर्वांचल समाज की आबादी है। अब यहाँ पे हमारा पिछले मेरे ख्याल 15 साल से ऊपर हो गए, 15 साल से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन
अभी सभी यहाँ के जितने हमारे सूरत नगर के वासी हैं और सब लोग मिलजुल करके यहाँ पे करते आ रहे हैं और इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी टीम है हमारे साथ खड़ी है, जब पूरी टीम हमारी लगी हुई है इसके साथ, तो ये पूरी टीम सफल आयोजन करे ऐसी शुभकामनाएं हैं। दीपक जी, घाट को लेकर थोड़ी वो चल रही थी, क्या घाट का आप यहाँ आपने जान किया? देखिए, घाट का ये जो जगह आप देख रहे हैं, पीछे जो तालाब आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले मलबा इकट्ठा होता था, कूड़ा बहुत ज़्यादा हुआ करता था और उसी को हर साल साफ करवा करके कृत्रिम तालाब बनाया जाता था। 2013 में जब हमने हरियाणा सरकार के सामने मांग रखी थी, उसमें ये जगह, इस जगह का भी प्रावधान हमने दिया था कि यहाँ भी एक परमानेंट पक्का छठ घाट बनाया जाए, लेकिन आनन फानन में ये तैयार किया गया है जो कि अभी बिल्कुल मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है सुरक्षा के लिहाज से। आप देख सकते हैं सीढ़ियों की हालात क्या है, सीढ़ियों का स्टेप का साइज क्या है, गड्ढा बहुत ज़्यादा है। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे लकड़ी की सीढ़ी बना के कुछ इस तरीके का आयोजन करने की प्लानिंग में है, इस तरीके से करेंगे। तो जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं, लेकिन हाँ, ना से हाँ है। और छठ मैया का ऐसा प्रकोप है कि अभी तक बिना किसी हादसे के हमेशा होता हुआ है और इस बार भी पूरी आस्था है कि आस्था के साथ इस पर्व को बहुत सुगल मनाया जाएगा। जी, परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम धर्मवीर भारती पूर्वांचली है। मैं छठ पर्व पूजा समिति सूरत नगर फेस टू का एक कार्यकर्ता हूँ और सभी देशवासियों को छठ पर्व पूजा समिति की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी सबको सुख समृद्धि दे, सबको तरक्की दे। सभी भाई मिलजुल के ये महापर्व इसलिए बोला गया है कि हमने पूर्वांचल के समाज में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, ये हमारी एक विशेष ऐतिहासिक परंपरा है। हमारे छठ पर्व पूजा समिति के अध्यक्ष माननीय गौरव जी, महासचिव माननीय शेखर जी, माननीय मनोज मेहता जी और सभी कार्यकारिणी के सभी सदस्य रात दिन मिलके इस पर्व को सफल आयोजन करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए भी हमने विपिन जायसवाल भाजपा के संयोजक हैं, उनसे संपर्क किया है। मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा भी यहाँ तो मुहैया रहेगी। प्रशासन के लिए हमारे यहाँ के पूर्व बीजेपी उम्मीदवार माननीय मनीष यादव जी के निर्देश के अनुसार सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। डीसी साहब को सभी बातों से अवगत कराया गया है। घाट पे विशेष सुरक्षा की व्यवस्था होगी और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी, ये हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं। देखिए, पूरी कॉलोनी है हमारी, मैं ये नहीं कह सकता कि एक घर नहीं कर रहा या दूसरा नहीं कर रहा, ये पूरी सोसाइटी है, ये पूरी सूरत नगर फेज टू की कॉलोनी है जहाँ 75% से ज़्यादा आबादी हमारे पूर्वांचल समाज की। और सबसे बड़ा ये धर्मवीर भाई है मेरे खड़े यहाँ पे, एस के यादव जी हैं, तमाम है, परमेंदु जी हैं हमारे मंडल साहब थे, अध्यक्ष महासचिव जी खड़े हमारे, ये हैं हमारे गौरव जी हैं, शेखर जी हैं, तो ये सब बहुत लगन के साथ यहाँ पे हर सुख दुख में एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं और इन लोगों का पूरा सहयोग रहता है। मतलब एक महीना पहले से ये लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। आप देखिए, इसके हालात जो आपको अभी दिख रहे हैं, ये ऐसे 10 दिन पहले नहीं थे, ये किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि छठ पूजा का हमने आयोजन रखा है पूरे हरियाणा में, की अगर बात करें ना, हरियाणा में जो है हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहा है सरकार का। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक लिस्ट जारी कर दी है कि कॉलोनी से नजदीक में अगर कॉलोनी में कोई उनका इंजीनियर अपॉइंट नहीं किया है तो आप नजदीक की कॉलोनी से संपर्क कर सकते हैं। और आपके सामने है यहाँ पे इतनी जगह छठ होता है, JEE फोन नहीं उठाते जिनके लिस्ट सूची जारी की गई है, और वो सिर्फ ध्यान जो देते हैं जहाँ पे बड़े तालाब बन रहे हैं, जैसे शीतला माता मंदिर है या सेक्टर 5 है, जो बाहर बाहर के लिए। लेकिन अगर मैं कॉलोनी के अंदर की बात करूँ तो वहाँ प्रशासन की पहुँच ही नहीं है अभी तक। तो इस वजह से सारा काम जो है यहाँ के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से और उनके हिसाब से किया जाता है। शेखर सिंह, छठ पर पूजा समिति महासचिव हूँ। यहाँ पे हमारे टीम सभी आदमी मिल करके पिछले एक महीना से जोर शोर से लगे हुए हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, सब आदमी मिल करके कैसे अच्छे से छठ पूजा हो उस पर बातचीत होता है रोज। हर चीज़ का अलग अलग हो, नए नए तरीके से कि अच्छा से कैसे हो, किसी आदमी को कोई चीज़ दिक्कत ना हो, उसी पे काम करते हैं। जय छठी मैया। नमस्कार, जय छठी मैया। मैं डॉक्टर गौरव, छठ पर पूजा समिति सूरत नगर अध्यक्ष। यहाँ पर व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी तरह का कोई ऐसा है, और हर तरह से सब व्यवस्था है और बाकी तो सब सही चल रहा है। और कुछ पूछना है तो पूछे। मैं छठ पूजा के लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं आपकी यहाँ? छठ पूजा के लिए सब तरह की तैयारी है, हर तरह का व्यवस्था है, चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं और हम लोग भी पिछले एक महीना से लगे हुए हैं और हर तरह का व्यवस्था है। प्रशासन से भी बातचीत होती रहती है और हमारे पार्षद नवीन दहिया जी हैं, ऑल ओवर वो भी हैं, और उनके तरफ से भी हमेशा है कि जब बुलाओ तब हम हाजिर हैं, किसी भी तरह की कमी हो तो बताओ, हम तैयार हैं हमेशा। तो यहाँ पे ओवरऑल सब सही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ